राम राम मेरे किसान साथियों, आज हम आपको दिखाएंगे कि मिश्रित खेती कैसे करें। हमने अपने एप्पल बेर के बाग के अंदर मिश्रित खेती कर रखी है, जिसमें हमने फर्स्ट में धनिया लगाया, फिर घिया लगाई और मिर्च लगाई है। तो हम आज आपको बताएं कि एप्पल बेर के बाग के अंदर कैसे लगाएं। मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर हमने अपने पौधों की कटाई कर दिया था। कटाई करने के बाद हमने अपने खेत की अच्छे से जुताई किया। जुताई करने के बाद हमने जो पौधों के पास है इस पे दोरिया, पौधों में पानी देने के लिए दोरिया बनाई, ताकि पौधों में पानी देने के लिए दिक्कत ना आए। हमारे पौधे से पौधे का डिस्टेंस ये 12 फुट है, तो ये दोरी बनाने के बाद हमारे पास लगभग 8-9 फुट जगह बच जाती है। हमने इसकी ट्रैक्टर से रूटरोवेटर मरवा के जुताई किया। जुताई करवाने के बाद हमने इसमें 3-3 फीट तो दोरिया बनाने के बाद हमने ये जो दोरिया बनी है इसके अंदर हमने धनिया छिड़का, हाथ से छिड़क के उसको हाथ से ही मिलाया। मिलाने के बाद पानी दे दिया। उसके अगले दिन हमने मिर्च की पौध लगाई। मिर्च की पौध जो मेड बनी है उसके ऊपर हमने मिर्च की पौध लगाई। 3 दिन बाद हमने उसमें भी पानी दे दिया। अब हमारा धनिया भी बढ़िया हो गया और मिर्च भी तैयार होगी। जो हो गए, धनिया भी हमारा कितना ज़बरदस्त तैयार है, साथ में हमारी मिर्च भी कितनी ज़बरदस्त तैयार है, आप देख रहे होगे। प्लस हमने साथ में इसके अंदर जो हमारे पौधे के ऊपर दोरी भी बनाई हुई थी पौधों में पानी देने के लिए, उसकी डांड के ऊपर हमने घिया बोई है। घिया की बेल भी ज़बरदस्त फैली हुई है, आप देख रहे होगे, घिया भी साथ साथ में लगी हुई है। ये है मिश्रित खेती का फायदा। अगर आप भी मिश्रित खेती करते हो, आपका टाइम और सही समय पे करते हो, तो हम एक ही समय में 2 से 3 खेती आप आराम से ले सकते हो, आप देख ही रहे हो। रुक, एक एकड़ बाग के अंदर 4 खेती कर रखी है। हमारी मुख्य खेती है अपना बाग। बाग को आप देख ही रहे होगे, लगभग 1.5 महीने का हो गया ये कटा हुआ। कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ कर रखी है इसने। साथ साथ में हमने धनिया, मिर्च और घिया की खेती कर रखी है। धनिया हमारा लगभग 1.5 महीने में तैयार हो गया, कटना स्टार्ट हो गया है। कटाई इसकी स्टार्ट हो गई है, हमने काट भी दिया है, आप देख रहे होगे, कटाई स्टार्ट हो गई है। 5 से 7 दिन में धनिया ख़त्म हो जाएगा। हमारी कपास वाली रूटरोवेटर है, जो कपास वाली रूटरोवेटर है उससे हम इसकी जुताई करवा देंगे। उसकी जुताई करके जो ये है इस मिट्टी को हम साइड में लगा देंगे, पौधे को सपोर्ट भी मिलेगी, मिर्च के पौधे को सपोर्ट भी मिल जाएगी और हमारी मिर्च भी बढ़िया तैयार होनी स्टार्ट हो जाएगी। और जो ये जगह बच रही है इसके अंदर हमारी जो घिया की बेल है वो भी फैलनी स्टार्ट हो गई है, वो ही ज़मीन में नीचे फैलती रहेगी और हमारा मिर्च का पौधा ऊपर तैयार होता रहेगा। तो कटाई के कारण जो कटाई कर रहे हैं, तो इसलिए हमने जो घिया की बेल है इनको दोरी के अंदर क्लोज कर दिया है। इसकी जुताई करवा के हमें अगले 1 या 2 दिन में इसकी जुताई कर देंगे। जुताई करने के बाद हम बेल को फिर से इस दोरी में डाल देंगे। घिया के ऊपर आप देख रहे हो कितना ज़बरदस्त फ्रूट आया हुआ है, इसके ऊपर भी ज़बरदस्त बगर आया हुआ है। हमारी घिया बहुत ही ज़बरदस्त फ्रूटिंग कर रही है, आप देख रहे हो। अगर आपको हमारी मिश्रित खेती करने का तरीका बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को और किसान भाइयों के साथ शेयर करें, ताकि और किसान भाई भी ऐसे ही मिश्रित खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके। और अगर आपको ऐसे ही खेती से संबंधित जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए।